दाखला नंबर चार, नीचे आपेल संख्याओनो व्यस्त जणावो, मतलब के आ जे संख्या आपेली छे एनी व्यस्त संख्याओ आपणे जणावानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तो ए बधा ज जाणो छो के व्यस्त संख्या कोने कहेता हता आपणे, सम्य संख्यानी। तो जे बे सम्य संख्याओनो गुणाकार एक मळे आपणे, केटलो मळे? एक। तो ते बन्ने सम्य संख्याओ एकबीजानी व्यस्त सम्य संख्याओ कहेवाय छे। तो माइनस त्रण जे छे ए माइनस त्रणनो गुणाकार, सॉरी माइनस तेरनो गुणाकार अपने एक भाग्या माइनस तेर साथ, एटले के माइनस एक भाग्या तेर साथ करी छू, तो जवाब आपने एक मळशे। माटे माइनस त्रणनी व्यस्त संख्या माइनस एक भाग्या तेर छे। माइनस तेरनी व्यस्त संख्या कई छे? माइनस एक भाग्या तेर। तेज रीते माइनस तेर भाग्या ओगणीसनी व्यस्त संख्या, माइनस तेर भाग्या ओगणीसनी व्यस्त संख्या माइनस ओगणीस भाग्या तेर छे। माइनस पांच भाग्या आठ गुण्या माइनस त्रण भाग्या दस, तो सर्वप्रथम आपणे आनो गुणाकार करीशुं। माइनस पांच तरी प्लस पंदर थई जाय, केम के गुणाकारमां माइनस माइनस शुं थई जाय? प्लस। आठ सीतु छप्पन, और पंदर भाग्या छप्पन नी व्यस्त संख्या माइनस, सॉरी छप्पन भाग्या पंदर। तमे जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों, जेम विरोधी संख्याओनी अंदर फक्त ने फक्त आपणे शुं करता था, आपेल सम्य संख्यानु चिन्ह बदलता था, सम्य संख्या तेनी तेज मुकता था, परंतु व्यस्त संख्यानी अंदर शुं करवानुं छे? चिन्ह तेनुं तेज राखवानुं छे, परंतु संख्याने शुं करवानी छे? उलटाई देवानी छे, अंश छेदमां छेद अने अंशमां। तो आपणने आपेली संख्यानी व्यस्त संख्या मळे छे। तो अमे अहींया जो माइनस तेर छे, तो माइनस तेरनी व्यस्त संख्या तो आपणे कई लखी? माइनस एक भाग्या तेर। चिन्ह एनुं ए ज राख्युं, पण तेर ने उलटाई दीधा, तेर अंशमां हता तो क्या लई गया? छेदमां, एटले के माइनस एक भाग्या तेर। माइनस तेर भाग्या ओगणीस नी व्यस्त संख्या माइनस ओगणीस भाग्या तेर, चिन्ह तेनुं तेज छे, संख्या ने उलटाई दीधी एटले के अंश छेदमां छेद अंशमां, तो ओगणीस भाग्या तेर। तेज रीते माइनस पांच भाग्या आठ गुण्या माइनस त्रण भाग्या सात, तो पहला तो आपणे आनो गुणाकार करवो पड़शे। तो माइनस पांच गुण्या माइनस त्रण एटले के प्लस पंदर, केम के गुणाकारमां माइनस माइनस प्लस थई जाय। आठ सीतु छप्पन, पंदर भाग्या छप्पन नी व्यस्त संख्या छप्पन भाग्या पंदर छे। तो आ रीते बीजा दाखलाओ पण स्वाध्याय पोथीमां अने नोटबुक तमारी पाठ्यपुस्तकमां छे, तो वधारना दाखलाओ तमे घरेथी जाते गणजो। त्यારબાદ દાખલા નંબર 6, દાખલા નંબર 5 ની અંદર કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે અને કયા ગુણધર્મોનો ઉપયોગ થયો છે એ તમારે લખવાનો છે। તો એકદમ ઈઝી છે, જે રીતે આપણે ક્રમનો, જૂથનો અને વ્યસ્ત સંખ્યાનો, શૂન્યની શું ભૂમિકા છે, બધા જે ગુણધર્મો જોયા, તો આપણે રકમ જોઈ અને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે કયા ગુણધર્મોનો ઉપયોગ થયો છે, તે જાતે તમે ગણતરી કરજો। ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ નંબર 6, સંખ્યા 6 ભાગ્યા 13 ને માઈનસ 7 ભાગ્યા 16 ના વ્યસ્ત વડે ગુણો, એટલે કે આ જે સમ્ય સંખ્યા છે એને માઈનસ 7 ભાગ્યા 16 ના વ્યસ્ત વડે। તો સૌપ્રથમ તો આપણે અહીંયા આપણને માઈનસ 7 ભાગ્યા 16 ની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ। તો અહીંયા લખીજો કે માઈનસ 7 ભાગ્યા 16 ની વ્યસ્ત સંખ્યા માઈનસ 16 ભાગ્યા 7 છે, સંખ્યા આપણે ઉલટાઈ દીધી। હવે આ 6 ભાગ્યા 13 નો ગુણાકાર કોના સાથે કરવાનો છે? તો માઈનસ 7 ભાગ્યા 16 ની વ્યસ્ત સંખ્યા એટલે કે માઈનસ 16 ભાગ્યા 7 સાથે કરવાનો છે। તો આમ 6 ભાગ્યા 13 ગુણ્યા માઈનસ 7 ભાગ્યા 16 ની વ્યસ્ત સંખ્યા બરાબર 6 ભાગ્યા 13 ગુણ્યા માઈનસ 16 ભાગ્યા 7 બરાબર 16 છગ 96, એટલે કે માઇનસ, કેમ કે 16 એ માઇનસ હતા અને 13 સીતા 91, તો આમ માઇનસ 96 ભાગ્યા માઇનસ 91 આપેલ દાખલાનો જવાબ છે। ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ નંબર 9, શું 0.3 એ 3.1 તૃતીયાંશનો વ્યસ્ત છે કેમ અથવા કેમ નહીં? જો હોય તો કેમ અને જો ન હોય તો કેમ? તો સૌપ્રથમ આપણે 0.3 ને પહેલા અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં લઈએ, એ દશાંશ સ્વરૂપમાં આવીએ, તો 0.3 ને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપ 3/10 થાય, અને આ મિશ્ર અપૂર્ણાંક છે તો એને આપણે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં લઈએ, તો અહીંયા 3 તરી 9 ને 1 10 10/3, આમ 3/10
ए त्रण पूर्णांक एक तृतीयांश व्यस्त है तो आप जाने के त्रण भाग्या दस गुण्या दस भाग्या त्रण बराबर दस दस देता है त्रण तो जवाब के आयो एक आप जाए पहला भी जी गया कि कोईपण बे व्यस्त संख्याओं गुणाकार के एक तो अँ ते जो कि बने समय संख्याओं गुणाकार के एक तो आप आम कही सकिए कि आ थी कि त्रण भाग्या दस ए दस भाग्या त्रणनी व्यस्त संख्या छे एटले के 0.3 ए त्रण पूर्णांक एक तृतीयांश नो व्यस्त छे। त्यारबाद दाखला नंबर दस एवी सम्य संख्या के एवी सम्य संख्या के जेना व्यस्त न होय तो आपणे जोई गया था ज्यारे आपणे थिअरी भणता था व्यस्त सम्य संख्या ने नहीं तो जीरो एवी सम्य संख्या है कि जे एनी व्यस्त सम्य संख्या कोई नहीं एवी सम्य संख्या के जेनो व्यस्त न होय तो कई जे शून्य तो शून्य एवी सम्य संख्या है कि जेनो कोई व्यस्त नहीं एवी सम्य संख्या के जेना तेरे व्यस्त ने समान होय तेवी कई सम्य संख्याओ है कि जेना व्यस्त ने समान होय तो एक अने माइनस एक आ बने सम्य संख्याओ एवी है कि जमनी व्यस्त एनी एज थाय तमे एक नी व्यस्त गणो तो एक माइनस एक नी व्यस्त गणो तो पण माइनस एक ज थाय तेज रीते त्रीजो नंबर एवी सम्य संख्या के जे तेनी विरोधी संख्या ने समान होय एवी कई संख्या है कि जे तेनी विरोधी सम्य संख्याओ ने पण समान होय तो जीरो केम के जीरो नी कोई विरोधी सम्य संख्या कई होय जीरो ज होय एवी सम्य संख्या के जे तेनी विरोधी संख्या ने पण समान होय छे। त्यारबाद दाखला नंबर अग्यार नीचेनी खाली जगह पूरो शून्य नो व्यस्त शून्य ज होय बे संख्याओ खाली जगह ने खाली जगह पोताना ज व्यस्त छे तो संख्याओ एक अने माइनस एक ए पोताना ज व्यस्त संख्याओ छे। त्रण माइनस पांच ने व्यस्त संख्या कई थाय तो माइनस एक भाग्या पांच संख्या ने उलटाई देवानी छेद में लई जवाना ये। चौथा नंबर एक भाग्या एक्स ने व्यस्त संख्या कई थे तो एक्स के ज्या एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि एक्स ए जीरो नहीं। पांच बे सम्य संख्याओं गुणाकार हमेशा अपने सम्य संख्या ज मळे शू मळे सम्य संख्या ज मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय 1.1 अहीं आपणे पूर्ण करीए छीए स्वाध्यायना बाकीना जे एक्जाम्पल जे छे ए तमे जाते गणतरी घरेथी करजो।